गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे और नए व्लॉग में। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ और आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न ये है कि मैं और निशु और बाकी घर पे सारे लोग इतने दिनों से मतलब बीमार चल रहे थे, और कुछ मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं आपको कुछ दिखाऊं, क्योंकि मैं वैसे कहीं गया भी नहीं हूँ इस वीक में। इधर जो मतलब वेदर ऐसा बिगड़ा है ना, कि उस वजह से मतलब मुझे इतना सर्दी खांसी और ताव चढ़ गया ना, क्या ही बोलूं मैं। और मेरे साथ साथ निशु को भी ये मेरी बीमारी उसको लग गई, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन रहता है। तो इसी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ रहा था, मतलब ब्लॉग नहीं उतार रहा था लेकिन आज मुझे थोड़ा अच्छा है और मुझे मन हुआ कि चलो मैं आपसे बात करूँ और ब्लॉग उतारूँ, इसीलिए मैं वापस से आपके लिए हाजिर हूँ। और मैंने तय किया है कि अभी नेक्स्ट मंथ यानी ये अपना अगस्त चल रहा है, तो सितंबर में पूरा सितंबर में आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देना चाहता हूँ, जो कि एक स्पेसिफिक और बहुत ही बढ़िया वाला कंटेंट होने वाला है। तो अपनी सीट की पेटी बांध दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल आज हमारा प्लान ये है कि निशु को रक्षाबंधन करना है उसके अपने भाई के साथ, वो भी बाकी है उसके गांव में भी, वो कहीं और मतलब उसके कजिन से, तो उनको भी वो राखी बांधती है। आज हम जा रहे हैं सेरा, मैं तो अभी जॉब के लिए जाऊंगा, लेकिन निशु का भाई उसको लेने अंकलेश्वर आएगा, तो उसको वो वहीं से पिकअप कर लेगा और मैं फिर शाम को सीधा सेरा जाऊँगा डायरेक्ट जॉब ख़त्म करके, तो मैं आपको सीधा वहीं पर मिलूँगा। हर्षल के साथ हाय हर्षल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं हर्षल के साथ आ चुकी हूँ और हम जा रहे हैं सेरा, जैसे आपको मितुल ने बता दी वैसे मैं रक्षाबंधन करने के लिए जा रही हूँ सैटरडे संडे, और फिर संडे शाम को हम वापस चले जाएंगे अपने भरूच। सेरा में क्या क्या मजाक मस्ती सब क्या करते है मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी से मिलवाती हूँ आपको। भी ऐसा है गाड़ी में है, ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा सा संभाल लेना क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अभी अभी थोड़ा कम हुआ है, तो चलो अच्छा हुआ, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। हाँ, देख लीजिए, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना। और मितुल ने आपको बता ही दिया कि इतने दिनों से हम क्यों आपके साथ आ नहीं रहे थे, ब्लॉग नहीं बना रहे थे, क्योंकि पहले वो बीमार हो गया, बाद में मैं बीमार हो गई, ऐसा कुछ मैं कुछ चलता ही रहता था, और बिल्कुल और मेरे पास तो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ऐसे मेरे को मिलता नहीं है कि मैं ब्लॉग भी बनाऊं। तो अभी मैं गाड़ी में थी, तो मैं कुछ चलो बना देती हूँ, कुछ आपसे बात कर लेती हूँ। फिर हम कहते मम्मी पापा आए, पापा को तो इंटरेस्ट थोड़ा कम है, लेकिन मम्मी से आपको मिलवाऊंगी, कभी कैमरा थोड़ा अघरा लगता है, लेकिन हम तो क्या है कि हम उसको एडजस्ट करवा लेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, देख लिए कैमरा साहब बोलो ऐसा नहीं मत बोलो, अग्रह ही हुआ ना हमारे लिए, तो अग्रह ही हुआ, हमारा हिंदी ऐसा ही है, सबको पता ही है। सारी छोकरी से ओला तो जी हम पहुंच चुके हैं सेरा, अल्लाह माफ करे। और सेरा हम जैसे ही आए वैसे लाइट चली गई है तो क्या करें, अभी मैं आपको क्या दिखाऊं, पूरा अंधेरा अंधेरा है घर में, ये नहीं दिख ली है। मैं आपको किचन दिखाती हूँ, किचन में कितना अंधेरा है, तो मैं आपको कैसे सबसे मिलवाऊ भी। मम्मी जय श्री कृष्ण। सॉरी मैं आपको ऐसे अंधेरे में मिलवा रही हूँ, अंधेरे में। तो देखो मैं तो उजाले में आ गई, बाहर आ गई, घर से बाहर आई, तो मैं आपको दिखूंगी। लाइट चली गई है तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका है। फिर से मम्मी से मैं आपको मिलवाऊंगी, इधर के शॉर्ट्स ले रही हूँ, आप देखो घर के, मेरे घर के ही शॉर्ट्स है।
हाँ जी, तो हम फाइनली घर आ गए हैं। एक्चुअली 2 दिन मतलब एक रात हमने सेरा रुकने का प्लान बनाया था। निशु वहाँ पे अपने कजिन्स को राखी बांधती है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे एक नाइट भी कर लेंगे, क्योंकि तीन चार महीना हो गया हम वहाँ पे गए नहीं थे। तो उसी बहाने हम वहाँ पे सबको मिल के भी आए, और सुबह जो मैंने बताया वो नाश्ता करके फिर दोपहर का खाना खा के सीधा घर ही आ गए। और अभी कहीं जाने का वैसे प्लान तो नहीं है, लेकिन शाम को अगर कहीं जाते हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और अगर वेदर की बात करूँ तो वैसे वेदर काफी क्लियर है यहाँ। मुश्किल से अगस्त महीने में 2 या 3 बार बारिश हुआ होगा, बाकी पूरा वेदर अपना क्लियर है। इतनी मिट्टी, लेकिन इस वेदर की वजह से जो धूल मिट्टी अभी उड़ रही है ना, पूरा मतलब दिमाग खराब कर देता है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो प्लीज हेलमेट पहनिए, क्योंकि ये धूल मिट्टी से आपको ही मतलब प्रोटेक्शन देगा हेलमेट। अभी 2-3 लोगों को मैंने देखा तो वो ऐसा ऐसा करके गाड़ी चला रहे थे। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, हेलमेट पहनिए, और आपको उल्टा सेफ्टी देगा हेलमेट, और क्या ही चाहिए आपको। तो जी हम आए हैं नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो पब्लिक नहीं था, लेकिन अब श्रावण महीना चल रहा है तो पब्लिक तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। पब्लिक तो देखिए आप, गाड़ियां मतलब जगह नहीं मिल रही है, इतना पब्लिक है आज। तो दर्शन करके अभी पाव भाजी लेने आए हैं, क्योंकि खाने में निशु ने कहा कुछ बनाना नहीं है तो फिर बाहर ही खा लेते। इसके लिए भी हमने तय किया कि लक्ष्मी की पाव भाजी एक नया ओपन हुआ है आउटलेट, तो वही ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली बीच में हम आए थे तो पुलाव हमको बहुत अच्छा लगा था, तो अभी पाव भाजी ले लेते अपनी मौरी वाली। तो हम घर आ गए हैं, और पाव अलग से हमने ले लिया था ताकि उसको बटर में सेक के, मतलब वो वाला कॉस्टली पड़ेगा, वो 5 रुपए का 1 पाव देता है, तो इससे अच्छा था हम पूरा पैकेट ही ले लेते तो सब लोगों को हो जाएगा। तुमको आज कैसा लगता है हमारा वाला भाजी? मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया है। एक्चुअली हमारी मेरी और पापा की जो भाजी रहती ना, मैं एक्चुअली चला लेता हूँ, मुझे सब चल जाता, लेकिन पापा वाली भाजी जो है वो बिल्कुल जैन, मतलब कुछ नहीं होता उसमें। आपने वीडियो में देखा ही होगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, लहसुन नहीं या कुछ भी नहीं। तो आपको शायद उनके वाली भाजी अगर आप एक बार चखोगे तो आप ये कह दोगे कि भाई जिसको शुगर या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको ऐसा ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि क्या उनको पहले से वो तीखा खाते नहीं है तो उनको नहीं चलता ये सब। अभी मस्त बटर में, ये कौन सा वाला बटर है, नया आया है क्या मार्केट में? पापा दिमाग से लेके आए। अच्छा, ये वाला कुछ नया है, मिल्की मिस्ट, अमूल वाला नहीं है शायद। ये भाजी है, और अभी ये कुछ है ना नया दे रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा स्वीट रहता है, ये छाछ जैसा ही रहता है लेकिन थोड़ा स्वीट रहता है और अच्छा लगता है, जैसा हम कढ़ी बनाते हैं घर पे वैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्वीट ज्यादा रहता है, कुछ काठियावाड़ी आइटम ही है। अभी इसको बस मस्त बटर में अभी पाव को रगड़ेंगे। मतलब भाजी वाला कर रही ना सेकने ये रीते तो छे ये लोगों के मतलब नाके अंदर है तो नाके मजा नहीं आवे पाव भाजी नो मसालो ना। अच्छा,
वैसे आप लोगों को पाव भाजी कैसी लगते है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारा नेक्स्ट संडे एक सरप्राइज आपके लिए मैंने रखा है जो बहुत ही स्पेशल है। जुड़ी रहिए हमारे साथ और इस फैमिली से जुड़ने के लिए रेड बटन को क्लिक कीजिए और बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।